चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी एम डी जिम क्लासेज में। दोस्तों आज इस चैप्टर का अंत होने वाला है और देखिएगा आराम से ध्यान से समझिएगा। दोस्तों पिछले वीडियो का आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो कृपया करके इस वीडियो को भी ध्यान से देखना और अच्छी तरीके से समझना ताकि आप सभी क्वेश्चन कर सको, ठीक है दोस्तों। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए तो आप आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा देखते हैं अब 74वां क्वेश्चन, ठीक है। 74वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोला है इसने। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी, ठीक है। तो हमने इसमें देखना है बच्चों कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। तो आप लोगों को देखना है इसमें कौन सी होगी बच्चों, देखिएगा कैसे करना है इसको। जो 45 दिया हुआ है 45, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य क्या डायरेक्ट ही कर लो पहले, इसी से कट जाएंगे वैसे तो। 9 × 5 = 45, ठीक है। वैसे 3 × 3 भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट इसी से काट कर देखो कौन कौन सी संख्या कट रही है इससे, ठीक है। देखिएगा इससे आप काट कर देखिएगा, 9 से 5 से ये भी कट जाएगी, ये भी 5 से तो सभी कट जाएगी। 9 से चेक करना है कौन सी कटेगी भाई। 9 से ना तो ये कट रही है, ना ही ये कट रही है और ना ही ये कट रही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। करके देख लें दोस्तों कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये संख्या एक मात्र ऐसी है जिन दोनों से कट जाएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75वां। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 है पूर्णतः विभक्त होगी। भाई वो का वही रूल बिल्कुल 99 दे रखा है, तो इसको कैसे करना है बच्चों देखना। 99 दिया हुआ तो 11 × 99, तो डायरेक्ट ही नहीं रूल फॉलो करके देखो। तो देखना बच्चों इस पर रूल फॉलो करके देखोगा क्या बचेगा। तो देखिएगा बच्चों इसमें अगर हम ए में रूल फॉलो करते हैं तो इसमें भी फॉलो नहीं हो पाता और ना ही डी में हो पाता, ना ही बी में, ठीक है। इसमें भी ओनली सी में ये रूल फॉलो कर रहा है जो दोनों से कट रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस संग इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, आपको करके देखने का ना हुआ तो बता दिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं तुरंत सभी समझा दूंगा, ठीक है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है इसमें, आप ही गुणा भाग तेज होगी, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब 76वां क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिखाया हुआ है देखिएगा, आप भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कितना है दोस्तों क्वेश्चन 76, इन्होंने क्या संख्या दी हुई है बच्चों, 42, 573 और आगे है स्टार, ठीक है। अब देखने हैं बता रहा है बच्चों 72 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो वही वाली बात, 72 के टुकड़े कर लीजिए वहीं इसी प्रकार करिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या बोला इन्होंने, इसके टुकड़े करके देखिएगा दोस्तों क्या बैठता है। तो इसके टुकड़े कर लीजिए, 2 × 4 × 8 = 24 × 72, ठीक है। अब काट के देखिएगा दोस्तों, 3 का रूल फॉलो करके देखिए, इसके अंकों का योग कट रहा है तो हाँ भाई कट रहा है। अब 2 से देखिएगा काट के दोस्तों, 2 से कब कटेगी यह संख्या, जब यहाँ पे या तो 4 हो या फिर और तो इसमें कोई संख्या है नहीं, या फिर 6 हो, ठीक है दोस्तों। 4 अगर यहाँ पर हम रख देते हैं, अगर 4 हम यहाँ पर रख देते हैं तो बच्चों ये संख्या फिर 3 के हिसाब से नहीं कटती। 3 जो अंकों की संख्या होगा, अंकों का योग है वो 3 से नहीं कटता, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 6 रख दें स्टार की जगह तो हमारी ये संख्या आराम से कट जाती है 2 से भी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हुआ, 6, ठीक है दोस्तों, ओनली 6 इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों देखते हैं अब 77वां क्वेश्चन कैसे होगा, देखिएगा बच्चों ध्यान देकर समझिए। 77वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 77वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 653xy, ठीक है। क्या ऐसी संख्या हो जो ऐसे से पूर्णतः विभक्त हो तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान धर के देखते हैं, ठीक है, आपको पता है अगर यहाँ पे हम भाई इन्होंने दिया हुआ है 80, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पक्की बात है 0 तो यार लास्ट में 0 है तो इसके भी 0 होगी, ठीक है। तो 800 से संख्या देखने में यहाँ कट जाएगी क्या भाई, 2 रख के देखो, 800 × 32 तो कट जाएगी भाई, 33 कटनेगी, 34 कटनेगी, 36 नहीं कटनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया भाई, 2, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, एक्स प्लस वाई का मान कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना हो गया बच्चों, 2 + 0 तो कितना होगा बच्चों, 2। तो सीधा आंसर क्या है इसका, 2, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इन्होंने दिया हुआ है 78वें क्वेश्चन में, यदि एक्स तथा वाई ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हो कि 3x + 7y = 11 का गुणा जो तो 3 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 11 से विभक्त होगा। तो दोस्तों इन्होंने 4 व्यंजक दिए हुए हैं, देखते हैं किस टाइप से होंगे अभी, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर देंगे इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, देखिएगा कैसे करना है, ठीक है बच्चों, देखिएगा
यहाँ पर अगर हम देखें एक्स का मान हम क्या क्या रख सकते हैं बच्चों भाई, एक भी रख सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, ठीक है भाई, एक कुछ भी रख सकते हैं, आगे रखते जाते हैं, ठीक है। एक एक पहले तो इसका मान रख के देखेंगे बच्चों, और फिर इसका मान रख के देखेंगे, ठीक है। कितना हो गया, एक इसका मान, इसका वाई का मान रखते हैं अभी एक ही, ठीक है। रख के देखते हैं क्या क्या आता है दोस्तों। इन्होंने व्यंजक क्या दिया हुआ है आप भी देखिएगा, इन्होंने व्यंजक दिया हुआ है 3x+7y, ठीक है, 3x+7y, 3x+7y, और जो 11 से पूरा पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्या रखना पड़ेगा जो 11 से कट जाए, एक रख के देखिएगा दोस्तों, तीन तीन कम तीन और एक रहे, 7 3 ये कटता नहीं दोस्तों, दो रखेंगे, 3 2 6, और भाई भाई का मान तो एक ही, 3 6 7 6 13 ही, जब नहीं कटता भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे रखते जाओ दोस्तों, तो यहाँ पे कितना पे लगभग मेरे हिसाब से 5 बैठेगा, सही देखिएगा, इसमें रखिएगा 5 रखिएगा इसमें, x=5, तो x=5 रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कितना हुआ, 5 15, ठीक है, प्लस, और यह कितना हुआ दोस्तों, इसका मान एक तो कितना होगा 7, तो कितना आएगा दोस्तों 22, तो सीधा बात है 22 11 से कट जाएगा, नहीं तो कट जाएगा पक्का। तो हमें क्या रखना है, पता चलेगा एक्स का मान 5 वाई का मान 1, ठीक है। रखते हैं अब एक एक इसमें, तो देखिएगा दोस्तों, हम आपका टाइम बचाने के लिए बता दूँ कि इसमें रख कर देखोगे आप, ये नहीं सही बैठता, ये नहीं बैठता बिल्कुल भी, और ये भी ऑप्शन सही नहीं बैठता, ठीक है। इसमें रख कर देखो इसमें कितना आएगा दोस्तों, रखिएगा 4 5 20, ठीक है, -9, कितना बच गया 11, ठीक है। तो 11 से कट गया, नहीं तो ऑप्शन क्या हुआ आपका दोस्तों, डी, ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, हो गया दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों 80वां क्वेश्चन कैसे होगा। इन्होंने बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है, ठीक है। देखिएगा ये सवाल पीछे भी आया बिल्कुल ऐसे, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट ही देख लीजिए, ये देख लीजिए बच्चों, 112 को इसमें से जो 112 दिया हुआ है दोस्तों इन्होंने 80वें में, 112 को कौन सा ऑप्शन काट रहा पूरा पूरा, ठीक है, कौन सा काट रहा दोस्तों बताइएगा जल्दी सी देख करके। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, इसको पूरा पूरा काट रहा है, ठीक है, 14 है पूरा पूरा कट रहा है, 14 112, ठीक है दोस्तों। तो सीधी बात है इसका आंसर क्या आएगा, 14, ये डायरेक्ट ही मेथड है, टेंशन फ्री रहो, इतना ही करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना और जल्दी हो गया, टाइम बचाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा दोस्तों इन्होंने क्या दिया है, 81 भाई ऐसी हो जाएगा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभक्त होती है, इस संख्या में 7 10 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 3 से विभक्त होता है, ठीक है, करके देखना दोस्तों, आराम से हो जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 82, ठीक है, देखिएगा इन्होंने क्या दिया हुआ है, किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, ठीक है, का प्रत्येक अंक 5 5, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है, ठीक है, किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 5 हो जाता है, 5 ही 5 ही हो जाता है, ऐसा भी जो उसका एक डिजिट है, ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं डायरेक्ट करके देखते हैं इसको, देखिएगा हमें मान लिया कोई अंकों की संख्या है 5 5 5 5 5 5, ठीक है दोस्तों, देखिएगा कैसे करके देखनी है हम लोगों को, ये तो हल करिए दोस्तों, कितना हो गया, अब से 13 से देखना है दोस्तों, काट करके 13 से कटेगा कि नहीं, कितना होगा 13 चौका 52, कितना होगा 52, ये देखिए दोस्तों ज़्यादा सड़ी भुसी सी राइटिंग होगी, 13 चौका 52, ठीक है, कितना बच गया 3, ठीक है, यहाँ पे कितना उतार लिया 5 का, ये 5 यहाँ पर उतर गया, ठीक है, तो कितनी चलेगी यहाँ 13 2 26, ठीक है दोस्तों, कितना बच गया देखिएगा, अब भी यहाँ पर बच गया 9, मैं उतार लिया 5 का, कहाँ से ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है, तो कितना होगा 13 7 91, ठीक है दोस्तों, कितना बच गया 4, ठीक है, उतार लिया 1 5 और नीचे, ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, उतार लिया 1 5 और, ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों कितने चलेगी, 13 3 39, ठीक है, 13 3 39, 13 3 39, अब देखिएगा बच्चों कितना बचा यहाँ पे 39 के बाद, यहाँ बच गया 6, फिर उतार लिया लास्ट वाला जो बचा हुआ था वो 5 उतार लिया, ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों 13 5 65, ठीक है, हो गया नहीं पूरा का पूरा 13 5 65, कट गया ना, फिर कितना चला हमें 13 5 65, देखिएगा दोस्तों
वही संख्या आगे जोड़नी चाहिए, हमें चाहिए थी कितना आया इसका, यहाँ आया दोस्तों इसका 42,735, यह वो संख्या होगी दोस्तों इसमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझते रहिए दोस्तों, इस संख्या को 13 से गुणा करनी पड़ेगी, इसका 5-5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब 84 का क्वेश्चन, आप भी देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 83 मैंने आपके लिए छोड़ दिया, करके देखना, नहीं होगा तो बताना कमेंट में, हम करके दिखा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा दोस्तों 84 का क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं। ठीक है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, आराम से देखते हैं, इनका किस संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो देखिएगा इसको बेसिक ही देख लो, इसको देख लो कितना आसान है, आराम से ही। ठीक है, इन्होंने कहा 119 से किसी संख्या को भाग देने पर, भाई हमें तो पता नहीं कौन सी संख्या है वह। ठीक है, तो हम तो जितना हमें पता है इतना कर सके काम, जो भी आया होगा यहाँ पर 19 शेष बचता है। ठीक है, जो शेषफल बचता है 19 बचता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा, इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या होगा, तो भाई जो ये शेषफल है, अगर हम डायरेक्ट ही शेषफल को 17 से भाग दे लें, गड़बड़ तो ये करेगा नहीं बाद में भी, 17 से ही भाग देगा, देख लो इसको कितना होगा, 17 एकम 17, तो कितना बचेगा दोस्तों 2, तो यही बात पूछ रहा हो, कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, आगे नहीं आंसर आपका, तो देखिए दोस्तों अच्छा समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेहनत करके पढ़ाई करना दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 का देखते हैं, इसमें क्या बताया हुआ है इन्होंने, निम्नलिखित में से कितनी संख्या 132 से विभक्त होगी। ठीक है, तो सीधी बात है भाई, 132 के टुकड़े कर लो और फिर उनसे एक एक का रूल फॉलो करते चले जाओ, 132 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या बैठेंगे बच्चों, 11 × 3, ठीक है बैठ गए नहीं, अगर आप ऐसे करके देखोगे तो आप सारी ये जितनी इसमें संख्या दी हुई है सारी काट कर देख लेना दोस्तों, तो आपको सारी काट पीट कर देखना, आपको इसका आंसर ध्यान से देखना, इसका आंसर आपको सिर्फ ये मिलेगा 4 संख्याएं। ठीक है, ओनली ये आंसर। ठीक है, तो इसका 4 संख्याएं ऐसी बैठेगी जो इनसे सभी से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए मज़ेदार ये क्वेश्चन, ऐसे टुकड़े कर लेना बस इसके, 11 × 33 = 132। ठीक है, इस टाइप से कर लेना, हो जाएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 86वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं अब 86वां क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, इसका मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाला हूँ, हैज मेथड। ठीक है दोस्तों, कृपया करके ध्यान से देखिएगा, कितने अच्छी तरीके से होगा ये क्वेश्चन, आप कभी नहीं भूलोगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो कभी छोड़ोगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ऐसे करके तो आप हमेशा इस प्रकार से एक हैज बनाइएगा। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है बच्चों, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर। ठीक है दोस्तों, संख्या क्या दिया है, 3 तथा 5 से लगातार भाग करने पर 2 तथा 1 शेष बचता है, 2 तथा 1 शेष बचता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहा तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो आपके क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक मान लीजिए अपनी तरफ से ही। ठीक है, इसकी तो इसमें कर दीजिए गुणा। ठीक है, और इसको इसमें जोड़ दीजिए जो भी आता है, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे करनी है दोस्तों, रहती है 5 × 5 और 1 6। ठीक है, 5 × 5 और 1 6, तो कितना है बच्चों यहाँ 6। अब देखिएगा दोस्तों, इसके गुणा करके दिखाइएगा इसी टाइप से कितना होगा, 3 × 6 में कितना, 3 × 6 = 18 और 2 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 18 × 2 = 20। ठीक है दोस्तों, 20 आ गया, तो ये संख्या क्या आई दोस्तों, ये संख्या आई 20। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, उस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 15 से भाग दे तो भाई 15 × 15, तो कितना शेष बचेगा बच्चों, 5। ठीक है, तो क्या आंसर आया इसका, 5। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आंसर है इसका सी। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए भाई दोस्तों देखते हैं 87वां क्वेश्चन, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है एक ऐसी संख्या है जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती हो, जैसे 6 बार 1 लिख दिया, 6 बार 2 लिख दिया, 6 बार 3 लिख दिया, 6 बार 4 लिख दिया, 6 बार 5 लिख दिया, ऐसी कोई भी संख्या, ठीक है, जिसमें 6 बार एक ही अंक रिपीट हुआ हो। ठीक है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या निम्न में से किससे सदैव विभाजित होगी, इनमें से बताना भाई, निचले वालों में से किससे सदैव विभाजित होगी दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपसे पहले एक बताई थी बात, क्या बताई थी, जो संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो तो वे हमेशा किन संख्याओं से कटेगी, बताया दोस्तों आपको, बताना जरा, वे हमेशा 7, 11, 13 और 1 37, इनसे वह हमेशा कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इनसे वह हमेशा कट जाएगी, तो आपको क्या करना है, इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें 7 भी ऑप्शन दिया हुआ है,
ग्यारह भी, तेरह भी, ये मिल गए और इन सभी से, ये सभी तो हो ही गई लेकिन एक और लिख लो इसमें 37, ठीक है। 37 से भी वो तुरंत कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बता देंगे अब 88वां क्वेश्चन, पूरी जल्दी करके इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। इन्होंने क्या बोला है, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकिया कुल कितनी संख्याएं हैं? तो देखिएगा, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकिया संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? 100 से स्टार्ट होती है, ठीक है। पहला 100 से स्टार्ट वाली कोई देख लो कितनी होगी, ठीक है। 6 से देखो बच्चों भाग इसको, कितने बच गया? 6 ही कम 6, ठीक है दोस्तों। 6 ही कम 6 कितना बच गया दोस्तों? 4, उतार ली 0, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया? 6 छंग 36, ठीक है बच्चों। देखिएगा कितना बच गया यहाँ पे बच्चा, बच्चों 4। तो हमें शेष से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ भागफल से मतलब है दोस्तों। कितना है इसका भागफल? 16, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी ऐसी बात, अगर हम लोगों को देखनी है कहाँ तक का होती है, आपको पता है 3 अंकों की संख्या कहाँ तक बनती है? 999, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों इसका भी 6 से देखिएगा करके, कितना हो गया? 6 कम 6 कितना बच गया बच्चों? 3, उतार लिया 9 का, कितना होगा? 6 छंग 36, कितना बचा बच्चों? 3, उतार लिया 9 का, कितना होगा बच्चों? 6 छंग 36। वही बात आपकी तरफ से शेष तो चाहिए कितना भी बचो भाई, देखेगा कितना बचा? 3, ठीक है। शेष आपकी तरफ से कितना बचो मैंने अभी बताया था, उसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ भागफल से मतलब होना चाहिए। वो कितना आया आपका? वह आपका 166, ठीक है। तो दोनों का अंतर देखिएगा कितना आया, 166 माइनस 16, तो कितने बच गए बच्चों? 150। तो इसका ये कितनी संख्या बनेगी जो 3 अंकों की है और 6 से विभक्त होगी? वे होगी बच्चों 150, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आओ आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों 89वां क्वेश्चन दोस्तों, ये ना ये टाइप नहीं हुआ। तो देखिए आप कितना हुआ, इसने कहा भाई 4, 5 और 6, ठीक है। में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली, इनमें से प्रत्येक से विभक्त होने वाली 200 व 600, ठीक है, के बीच कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये बताना है दोस्तों, देखिएगा 4, 5, 6 में से 200, 600 के बीच की तीनों से विभक्त होने वाली 4, 5, 6 से, ठीक है। 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाले 200 तथा 600 के बीच कितनी संख्याएं आती है? तो देखिएगा दोस्तों जो कटने वाली संख्याएं उनके बीच में, उनको मैं बता दूं, ये दोस्तों पता भी होना ज़रूरी है। देखिएगा कितना हो गया, 240, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने इनका डायरेक्ट ही कर दिया काम वैसे, तुम्हें बताना चाहिए वैसे यह बात, चलो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों पहले इनका एलसीएम ले लो तीनों का, कितना आया? 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आया? 60 आ गया, नहीं, ठीक है। तो अब देखिएगा 60 से कटने वाले संख्या कितनी होगी भाई, देख लो। अब भाई 6 के टेबल पढ़ दो और क्या होता, देखिएगा कितने आ गए इसके बीच में, अब कितना आ गया? 240, 300, ठीक है, 360। जब तक भाई इसका 600 नहीं आता उससे पहले पहले वाली ले लो, 420, ठीक है, और 480, और एक और कौन सी हो गया बच्चों? 540, ठीक है। तो कितनी संख्या है इसके बीच की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो केवल 6 संख्या ऐसी है जो 200 से 600 के बीच 4, 5, 6 से प्रत्येक से विभक्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगला 90 क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों 19वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या दिया हुआ है। बड़ी से बड़ी वह प्राकृतक संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृतक संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे, बड़ी से बड़ी का है ना, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, बड़ी से बड़ी। तो ले लो भाई कोई 4 क्रमागत ऐसी संख्याएं, करिएगा काम, कितना हो गया? 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है। देखिएगा दोस्तों कितना बैठ गया है, 6 चौक 24, ठीक है, 24 बैठ गई। तो इन्हें पूछा बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, ठीक है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या बताया इसने। तो देखिए दोस्तों इन्होंने क्या मतलब हुआ है, इन जो 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को ऐसी कौन सी संख्या है में जो विभक्त करे, ठीक है, और बड़ी से बड़ी बताया उन्होंने, 120 से 24 को कर नहीं सकती, 6 भी कर सके और 12 भी कर सके, लेकिन उन्होंने बड़ी से बड़ी बोल रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? ओनली 24। अगर मैं बड़ी से बड़ी ना कहते तो फिर तो हम दे देते अपने आप ही 6 को भी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप ही के सामने, देखिएगा दोस्तों ये देखिए
कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों ये 91। ठीक है, देखिएगा, बड़ी से बड़ी व्यापराकृतिक संख्या जो चार क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। ठीक है दोस्तों, तो ले लिए इसी प्रकार ले लीजिए दोस्तों, चार क्रमागत सम संख्याएं 2 × 4 × 6 × 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, इनका जो इन्होंने क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी व्यापराकृतिक संख्या जो चार क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने बड़ी से बड़ी बोल रहा है, 16 अभी काट देगा वैसे। ठीक है, 16 देखना दोस्तों, काट देगा क्या, नहीं काट सकता पूरा। ठीक है दोस्तों, 24 देखते हैं, ये भी काट देगा 48, ये भी काट देगा 96। तो बड़ी से बड़ी क्या बताया दोस्तों इन्होंने, 96। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, यह तो 48 भी काट रहा है और 96 भी। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, तो कौन सी संख्या काट रही है, पूरा का पूरा 96। ठीक है, बड़ी सबसे बड़ी तो फिलहाल इसमें यही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92। देखिए दोस्तों, इन्होंने सारे क्वेश्चन दिया है 92वां, 10^(n-1) सदैव 11 से विभक्त होगा। कब? जब इन्होंने एन का कुछ भी मान ना हो, माना है कि एन का कुछ भी मान ना हो, या एन एक विषम संख्या हो, या एन एक सम संख्या हो, या एन 11 का गुणज हो। ठीक है, तो हमें देखना है करके कैसे सही बैठेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन्होंने दिया हुआ है 92वां क्वेश्चन, अगर इन्होंने दिया, अगर हम n बराबर मान ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम 10^(n) का मान 1 ले ले तो -1 = 9। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, देखते रहिए क्या होता है। अब अगर 10^(n) का मान 2 ले तो 10 - 1 = कितना बच गया बच्चों, 99। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमने 10^ अगर n का मान 3 ले लिया, -1 = कितना होगा बच्चों, 999। ठीक है, और 10^4 n का मान 4 ले लिया तो कितना बच गया बच्चों, तो देखिएगा दोस्तों, 11 से कटने का रूल आपको पता है, ये तो 11 से कटना चाहिए, 11 का कोई गुणा जो। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कौन कौन सी कट रही है भाई, अगर हम विषम संख्या रखते हैं तो कटता ही दोस्तों, सम संख्या रखा है तो कट रहा, देखो यहाँ विषम रखा, जब नहीं कटा सम रखा तो कट गया। तो इसका आंसर क्या होता है, अतः एन का मान सदैव सम संख्या रखने पर कटता है। ठीक है, तो एन का मान हमेशा एक सम संख्या रखेंगे तो कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 93वां, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, 93 क्वेश्चन है भाई, √3^(n) = कितना होगा, 81। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, एन का मान ज्ञात करो, तो करो बच्चों, देखिएगा क्या करना है, वर्क करने पर 3^(n) = कितना होगा भाई, ये कितने हो गए, 3^4 है, तो एक बार और हो जाएगी 3^4, इसका अंडर रूट हट गया, तो देखिएगा कितना होगा बच्चों, 3^(n) = कितना होगा, 3^8। और जब आधार समान हो तो फिर आगे क्या करना चाहिए बच्चों, घात भी बराबर हो जाती है, जब आधार समान, आधार बराबर तो घात बराबर। ठीक है, तो आंसर क्या है, बराबर, एन बराबर का मान कितना आया, 8। ठीक है दोस्तों, एन का मान कितना आया, 8। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है, 94। ठीक है दोस्तों, 94, इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, बताइए 94 में कौन सी होगी, तो इन सभी का ये ले लो भाई एलसीएम, 2, 3, 4, 5 और 6 में से प्रत्येक का एलसीएम कितना आएगा, टोटल देख लो इनका 60 आगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहा छोटी छोटी कौन सी होगी, तो देखिए काट के देखो भाई, 60 से 40 नहीं कट रही भाई, 1600 नहीं कट रही, छोटी है छोटी का 3600 भी कट रही भाई, और 900 भी कट रही, तो छोटी है छोटी क्या होगा, 900 होगी, तो वह 900 काट के देखो भाई, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, कितना होगा, काटो भाई 0, 0, 15, 6, 90, तो ये कट के भाई, इसका छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 900। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा दोस्तों अब 95 क्वेश्चन, ये कैसे किया जाएगा देखिएगा आप भी, कितना हो गया, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो कौन सी होगी, बताइए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, 9 का वर्ग और 10 के वर्ग में जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिएगा कितना होगा, 9 का वर्ग कितना होगा भाई, 81, और ये कितना होगा 10 का, 100। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो गया, इसका मान कितना आ गया, 181 आ गया। तो ठीक है, अब इसमें कितने की जरूरत है, जो पूर्ण वर्ग हो जाए इसमें भाई, अगर हम 15 और जोड़ दें। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन कितना दिया हुआ है, स्मार्ट भी दिया हुआ है, 3 तथा पूर्ण वर्ग बनती नहीं, आपको पता है दोस्तों,
अगर इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगी 96। तो किसका वर्ग होता है, ये होता है 14 का। ठीक है दोस्तों, तो सीधी बात है, हम लोगों को पता चल गया है अब क्या करना है आप लोगों को। ये आंसर हो गया इसका दोस्तों सीधा ही। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया 15, 15 है वो संख्या जिसे जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा। चलिएगा भाई दोस्तों, 96वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है इन्होंने दिया हुआ है। बच्चों 96वां क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने दिया हुआ है भाई 7, 6 बार 7 दे रखा बच्चों, भाग देना और बराबर 11। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे करके दिया, इसको हल करके देखना है क्या बचेगा दोस्तों। देखिएगा कैसे हो गए, कितना होगा बच्चों 96वां। ठीक है, कितना हो गया 7 7 7 7 7 7। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे, इन्होंने गुणा में एक्स दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इन्होंने कैसे दी है संख्या, यहाँ पे भाग में क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे बराबर 11। अगर हम इसे इधर ले जाए तो फिर क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। देखिएगा 7 7 7 7 7 7। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा ये 11, अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 11। तो इसके काट के देखिएगा दोस्तों है कितनी बार कट जाएगा, आपको पता है कितना होगा, 7 * 7 = 11 = 77, 11 * 77 = 11 = 77 कितना बैठ गया दोस्तों, ये कितना होगा भाई 70760। ठीक है, देखिएगा यही आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 9.5 मीटर लंबी लोहे के छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर हो। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं कैसे दिया है। देखिएगा दोस्तों, इन्होंने इन्होंने दिया हुआ है 19.5 मीटर, 97वां। देखिएगा दोस्तों 19.5 मीटर, ठीक है 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ दी, छड़ में यह समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, ठीक है, जिन्हें प्रत्येक टुकड़े लंबाई 65 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, मीटर में दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको पहले हम कहीं कर लेंगे सेंटीमीटर में, इसमें 100 की गुणा कर डालो। ठीक है दोस्तों, बटे कितना होगा 65, अगर इसमें करेंगे तो कितना होगा भाई 1950 हो जाएगा बटे 65। तो पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा दोस्तों इससे बताइएगा। देखिएगा बच्चों, पूरा अगर काटोगे तो आप पूरा 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 ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, इसे पूरा 30 बार कट जाएगा। देखिएगा तो इसका आंसर कितना है बच्चों, इसमें 30 चढ़ियाँ बन जाएगी जिनकी लंबाई 65 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर का आज अंत हो चुका है दोस्तों। हमने ऐसे ही लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगी, आप ऐसे ही हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपका जल्दी मैथ कंप्लीट करा देंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, इन्होंने 98वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करना है इसको देखिएगा। इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ है इन्होंने, 3। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है, स्क्वायर प्लस 1/2 का। ठीक है, तो अब इसको हल करके देखते हैं दोस्तों, इसका क्या करो, वर्क करने पर दोनों पक्षों का वर्क कर दो दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आगे क्या दिया हुआ है, वर्क हो गया कितना हो गया, a² + 1/a² ठीक है, प्लस कितना हो गया 2 * a * 1/a। ठीक है, a से 1 ख़त्म हो गया, तो बराबर कितना आ गया, इधर 3 का वर्क करना कितना आ गया 9। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, डायरेक्ट देखना a² + 1/a² जो 2 है पर चले गया, कितना हो गया 9 - 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान कितना आया देखिएगा, a² + 1/a² का मान कितना आया दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जिसके सूत्र याद है वो 2 सेकंड भी नहीं लगाएगा, ये तो मैंने इसके लिए कहा बच्चों को पता चल जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों लगातार कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी और ये पूरा मैथ आपका जल्दी पूरा हो जाएगा, आपका सपना भी पूरा होने वाला है। ठीक है, आप जो चाहे टेस्ट इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल या जो भी टेस्ट आप चाहे कांस्टेबल लेवल का भी आप उड़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है दोस्तों, अब इसका चैप्टर 2 चलेगा। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों को भी इस पर चैनल सब्सक्राइब कराया और जिससे कि जल्दी जल्दी उनको भी समझ में आ सके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, नमस्ते, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, आज ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और आज के बाद हम अभी लगातार डेली चलती रहेगी क्लासेस और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान देकर समझिए दोस्तों, अच्छी तरीके से एक एक सवाल बताते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाय बाय, ओके, और वोट डालना दोस्तों। ठीक है, बाय।